जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिका है, भाई बहन है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ जानकारियों के साथ। मेरे एक शिष्य ने मुझे पूछे कि आज आप माताओं की सवारी और सवारी के बारे में जो लोग बातें करते उसके ऊपर एक पूर्ण ज्ञान सही जानकारी हमें प्रदान करें। तो आज का जो विषय वस्तु है कि सवारी क्या होता है, कैसे आता है, इससे क्या फ़ायदा होते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या ये अंधविश्वास तो नहीं है, ऐसे सारे के सवाल लोगों के मन में उठता है। सबसे पहले जानते क्या है कि सवारी होते क्या है। जब सवारी का नाम आता है तब मन में एक इस तरीके से प्रतिछवि या इस तरीके से छवि हमारी मन में अंकित होता है कि कोई व्यक्ति क्या है, सवारी के नाम पे उलट पुलट होता है और बहुत सारी बातें जो है बोलता रहता है लोगों के बारे में, फिर लोगों के भविष्य और भूतकाल के बारे में भी बताता है, लोगों की बीमारी ठीक करता है, लोगों को उपाय बताता है किस तरीके से लोग धनवान बनेंगे, किस तरीके से लोगों की जो दिक्कतें चल रहा है उससे क्या उपाय करने से उनकी जो दिक्कतें हैं वो मिट जाएगा। ये सवारी जो आता है, लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति के ऊपर माता की सवारी आता है कालका माई का, फलाना व्यक्ति के ऊपर भैरव देव की सवारी आता है, फलाना व्यक्ति के ऊपर वीरों की सवारी आता है। क्या सच्चाई है इस चीज़ों का, इसके बारे में आज जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। कई लोगों ने सवाल पूछे है, समय कम था इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे इसके ऊपर, लेकिन आज मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को जानकारी देना चाहिए कि सवारी क्या होता है। सवारी एक माध्यम होता है, इंसानी शरीर, इंसान का जिस्म वो माध्यम होता है शक्तियों को धारण करके लो जनकल्याण की भलाई करना, ये सवारी होता है। सवारी दो तरीके से होता है, आप चाहे तो खुद के शरीर में शक्तियों को आवाहन करा सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी पाक शरीर में भी शक्तियों को आवाहन करा सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में क्या करते थे, तांत्रिक बच्चों के शरीर में सवारी को बुला लेते थे। बच्चे की शरीर जो होता है वो पाक होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ये कलह हिंसा इन सब चीज़ों से दूर रहते, परहेज रहते, क्योंकि उनका मन उतना विकसित नहीं होता है कि इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच समझ सके। कुछ तांत्रिक और कुछ साधक ऐसे थे जो खुद के शरीर में सवारी बुलाते थे, ये भी संभव है, ये दो तरीके से। और सवारी बुलाने का एक सिद्ध स्वयं सावर मंत्र है, स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है जिसके जरिए लोग सवारी को बुलाते हैं। सवारी यानी क्या है, सवारी यानी एक शक्ति, एक इष्ट जिनकी हम पूजा करते उनको बुलाते हैं। सामने तो उनकी जो ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पाएंगे, ना ही उनको दर्शन कर पाएंगे, तो क्या करते अपने शरीर को ही माध्यम बना लेते और अपने शरीर में उनका आवाहन करते, फिर वो शक्ति हमारे शरीर में विराजमान करते, फिर उन शक्तियों की ऊर्जा के बदल हमारे शरीर में कंपन पैदा होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द पैदा होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत समय पहले किया था। सवारी की अपने शरीर में बुला के लोगों की काम करवाना, लोगों की दिक्कतें दूर करवाना, ये चीज़ें। सवारी यानी वो शक्ति है जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जो हमारे इष्ट है उनको मंत्र से आवाहन करके हमारे शरीर में स्थापित करते हैं, या फिर हम किसी बच्चे की शरीर दूसरी की पाक शरीर में भी हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि हम जिसको बुला रहे हैं क्या वही आते हैं क्या। और एक चीज़ जो है मैंने आपको बताया, क्या हमारी उनकी जो ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर धारण कर पाएगा, इसका जवाब है हर कोई व्यक्ति सवारी ले नहीं सकता है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कोई व्यक्ति सवारी अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता है, वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, शरीर पाक होना जरूरी है और देवी अंशी होना जरूरी है, तभी जाके वो शक्ति सवारी को धारण कर सकता है। सवारी यानी किसी भी इष्ट शक्ति हो, चाहे वो माता कालका हो और चाहे वो भैरव देव हो। ज़्यादातर समय लोग ये सोचते कि उसके ऊपर माता कालका आए है, उसके माता भैरव आए, लेकिन ये सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई इससे कोसों दूर रहता है। शरीर में माता कालका ना के बराबर आते है, आते कौन है, उनकी गण आते हैं, भैरव देव की गण आते हैं, माता कालका की गणिका आते हैं,
लोग सोचते हैं कि माता कालिका है और सारे सवाल का जवाब देते, जबकि माता कालिका की जो गणिका आए है शरीर में वो भी सारे सवाल का जवाब देके जाते और लोगों की उपाय बताते, लोगों की इलाज करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता कालिका है, माता कालिका की ऊर्जा धारण करने के लिए अपना शरीर इतना भी नहीं बना है, क्योंकि इंसान की जो शरीर है वो पंच तत्व से निर्मित है। और देवी शक्ति को आपको पता है कि देवी शक्तियों के पास छठे तत्व है जो विद्युत शक्ति से भी निर्मित होता है, जो अलौकिक चमत्कारी शक्ति कहलाता है। और उस शक्ति को धारण करने के लिए इंसान अपने अंदर इतना ऊर्जा पैदा होना जरूरी है, तभी जाके वो अलौकिक और प्रालौकिक शक्ति जो होता है उनको अपने शरीर में धारण कर सकता है। पता है जब इंसान के शरीर में एक छोटी सी भूत प्रेत आके बास करने लगता है तो वो इंसान कितना छटपटाता रहता है, कितना उसे दर्द होता है, कितना उसे कमजोर महसूस होता है। तो ये तो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, जब भूत प्रेत तो दो तत्व तीन तत्व से बने हुए पिशाच और भूत प्रेत है। तो आज सबके सवाल का जवाब दे देते हैं। पहले सबकी यानी किसी ने मुझे आज ही सवाल पूछे है, बहुत सारी सवाल जिनकी जवाब मैं ये वीडियो के जरिए दे रहा हूँ। सवाल क्या होता है मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि ऐसे इष्ट शक्ति जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनको अपने शरीर का माध्यम बना के हम उनको हम अपने शरीर पर बुला के अपना मनचाहा सवाल पूछ सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं, जनकल्याण कर सकते हैं, इसको सवारी कहते हैं। कैसे आते हैं सवारी? आने के लिए कई सारे उपाय हैं। तांत्रिक तरीके से भी सवारी लाया जाता है भैरव जी का, सावर मंत्र के जरिए से भी मंत्र को सिद्ध करके भी सवारी बुलाते हैं। अगर स्वयं सिद्ध सावर मंत्र को इस्तेमाल करके भी अपने शरीर में आवाहन करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने कहा हर किसी के शरीर में सवारी नहीं आएगा, ठीक है? कैसे आता है सवारी, ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अगला सवाल है किसके ऊपर आता है सवारी? मैंने जैसे कि कहा वो एक साधक होना चाहिए या फिर कोई तांत्रिक होना चाहिए जो अपने शरीर को पाक रखता हो, और साधक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान पाक हो और देवी अंशी हो, जैसे कि वो इस ऊर्जा को वो संभाल सके अपने शरीर में लेके, ठीक है? क्यों आते हैं सवारी? पहले के समय में क्या होता था, सवारी क्यों बुलाया जाता था? इंसान जो है अपने अंदर इतना रहस्यमय चीज़ों को समेट के रखा है जो वो खुद भी नहीं जानता है, तो दुनिया के बारे में क्या जानेगा? जब इंसान खुद के अंदर इतना रहस्यमय चीज़ों को समेट के इंसान खुद बना है, इसका मन इंद्रिय वचन कैसे क्या काम करता है, जब पहले के समय में लोग खुद नहीं जानते थे, तब क्या करते हैं वो देवी शक्तियों के जरिए हर वो चीज़ों के बारे में जानकारी लेते थे। प्राचीन काल से ये तंत्र है, आज के समय से नहीं है। इसका उल्लेख सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग में है। जैसे कि आपने सुना है त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में तो आपने जाना ही है कितने रथी महारथी थे जो मंत्रों के बल से दिव्यास्त्र निर्मित करके अपने इस्तेमाल करते थे, चाहे वो अर्जुन क्यों ना हो, चाहे वो कर्ण क्यों ना हो, चाहे वो परशुराम क्यों ना हो। ये मंत्र है जो आत्मा और परमात्मा को ही मिलाता है, ठीक? तो सवारी इसीलिए आते हैं, देवी अंश और देवी शक्ति इंसान के शरीर को माध्यम बना के इसीलिए आते ताकि जो अवध इंसान है उसकी कल्याण हो सके, क्योंकि वो इतने पाप कर लिया रहता है कि अपनी खुले आँख में उन शक्तियों को दर्शन नहीं कर पाता है और शक्तियों की एहसास भी नहीं कर पाता है। तभी इंसानी शरीर को माध्यम बना के जो शक्तियाँ रहते हैं आके जनकल्याण करते हैं। पांचवा सवाल है सवारी में कौन सी शक्तियाँ आते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लोग पूछते हैं कि क्या कालिका माई सवारी में आते हैं? जी हाँ आते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं आते। करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता है जिसके शरीर कालिका माई जैसे शक्तियों को, मतलब माता काली की शक्तियों को अपने शरीर में समेट सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि माता कालिका की सवारी किसी के ऊपर नहीं आता है। जी हाँ आता है, माता काल का भी सवारी आता है, माता भैरव की सवारी आता है। अब किसी भी शक्तियों की चाहे उसकी सवारी अपने शरीर में बुला सकते हैं, लेकिन आपको उस शक्तियों के लायक बनना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आप सबको आज बता दूँ कि आज के समय में जितने साधक हैं वो ज़्यादातर भूत प्रेत पिशाच भैरव की गण यानी वीर और माता कालिका की गणिका इन सबको अपने शरीर में बुलाते हैं, क्योंकि ये उसी लायक ही होते हैं। और आपको बोलते हैं कि मेरे शरीर में माता कालिका आते हैं, मेरे शरीर में भैरव देव आते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो वो बोलते हैं। सच्चाई ये होता है कि उसके शरीर में क्या आते हैं हमको पता है। ऐसे कई उदाहरण है जब हम साधकों की परीक्षा लिए
जब खुद को बोलते हैं कि हमारे शरीर में माता कालका है, माता भैरव देवाय है, जब परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तब उनकी शक्ल देखने लायक होता है। तो आज के बाद आप कोई बोल रहा है कि मेरे शरीर में कालका देवी आते हैं या माता भैरव देव आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आते हैं, लेकिन वैसे करोड़ों में एक लोग है। बाकी भूत प्रेत पिशाच जो जो मैंने जैसे कि बताया, बाकी शक्तियों को अपने शरीर में लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो सवारी में हर वो शक्ति आते हैं जिसको आप बुलाना चाहो, लेकिन पहले उसको उसके लायक आपको होना पड़ेगा। और हाँ, सवारी आने से अपने अंदर की प्रवृत्ति, अपने अंदर की चिंतन वैसे ही होगा जैसे शक्तियों को आप आह्वान करोगे। अगर आप प्रेत को पिशाच को बुलाओगे अपने शरीर में तो आपकी प्रवृत्ति भी पिशाचिक प्रवृत्ति हो जाएगा, यानी मांस शराब इन सब चीज़ों में डूबे रहोगे आप, गलत काम लड़कियों इन सब चीज़ों से आप डूबे रहोगे। लोगों की तो भलाई होगा तो वो तो दूर की बात है, लेकिन पहले आपकी नुकसान होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और शक्तियाँ जब आपके शरीर में आह्वान हो गया, आपने लोगों की जवाब दे दिया, फिर जब शक्ति आपके शरीर को छोड़ के जाएगा उसके बाद जो दर्द होता है वो हर कोई नहीं जानता है, वो दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, बदन टूटता है, जब वो महसूस होता है कि हमें कितना लोगों ने मिलके मारे हैं उतना दर्द हमको महसूस होता है, कोई शक्ति अपने शरीर से निकाल के जब जाता है, ये होता है सवारी की असलियत। छठा सवाल है, सवारी आने का फायदा क्या होता है? जैसे सबको पता है ये क्रिया जो है ज़्यादातर साधक तांत्रिक करते हैं, कुछ लोग अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कि फलाना व्यक्ति अमुक शक्ति के सवारी लाके फलाना फलाना काम कर देता है, इससे उनकी नाम बढ़ता है। कुछ लोग जो है सवारी के जरिए लोगों की जनकल्याण करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद करते, गरीब दुखी लोगों की भलाई करते, तो सवारी का बहुत सारे फायदा होता है। लोगों की भूत भविष्य काल के बारे में भी जानकारी मिलता है सवारी के जरिए, लोगों की बीमारी कैसे ठीक किया जाए वो भी जानकारी मिलता है शक्ति के जरिए। कभी कभार ऐसा होता है कि वो उपाय बता देते हैं, वो उपाय करने से लोग ठीक हो जाते हैं सवारी के जरिए, ये सारे फायदे होते हैं। सातवां सवाल है, सवारी आने का नुकसान क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि सवारी आने से क्या होता है, अपने शरीर में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 10-20 लोगों ने अपने को पकड़ के पीटे है, लात घूसे से बारिश करा दी अपने शरीर में, इतना सारा दर्द होता है, क्योंकि मैंने अपने शरीर पे लाया था एक समय पे सवारी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि साधकों की मृत्यु तक भी हो जाता है सवारी से, अगर सवारी लाता हो वो और उस सवारी के साथ साथ गलत काम भी करता हो। इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी में थोड़ा सा सौम्यक जानकारी दे देता हूँ। एक साधक था जो बोलता था कि भैरव देव को सवारी लाता था, लेकिन सच्चाई में वो एक बीरू की सवारी अपने शरीर में लाता था। तो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को दारू नशे का पूरी तरीके से लत चढ़ गया। मुझे उस व्यक्ति के ऊपर संदेह हुआ कि ये सच में भैरव देव की सवारी लाता है या जो अभी जो उसका लत और उसका जो कार्य देखकर मुझे लगा कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति लड़कीबाजी करता है और दारू शराब पीता है और खुद को बोलता है कि भैरव का भक्त है बोल के और सवारी भी आता है बोल के। तो मेरे मन में ये संदेह था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है जबकि बीरू की सवारी लाता है, और हर वो पाप का हिसाब देना पड़ता है। और आप इस बात से आप समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो सवारी आने का भी बहुत नुकसान होता है अपने शरीर के ऊपर, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, शरीर दर्द होता है जब जब सवारी आता है और सवारी जाने के बाद। कभी कभार भूख ना लगना, कभी कभार अजीब सा मतलब बदलाव होना अपने शरीर में, वो बदलाव शक्तियाँ जिस तरीके से होता है जिनके आह्वान हम अपने शरीर में करते हैं, उस शक्ति के अनुजाई अपने शरीर में बदलाव होता है। ये था सातवां सवाल। आठवां सवाल पे ध्यान देते, सवारी में कौन सी शक्ति होते सब, जैसे कि मैंने बता दिया सवारी में हर वो शक्ति होते जिसकी आप इष्ट मानकर उसको आह्वान कर सकते, करना चाहो तो कर सकते। ज़्यादातर जो होते तांत्रिक लोग क्या है, माता कालका का, भैरव देव का, अपने इष्टदेव का, अपने कुलदेवी का, इन सब की सवारी बुलाते हैं ताकि उनको आसान होता है। नौवां सवाल है, क्या हम जो सोचते हैं वो सही है सवारी के बारे में?
कभी कभार ये सही होता है, कभी कभार ये गलत भी होता है। मतलब कभी कभार क्या है, किसी के शरीर में सवारी तो आता नहीं है, पर वो पैसों की लालच में दिखावा करते हैं। वो ऐसे ढोंग रचाते हैं जैसे कि सच में उनके शरीर में सवारी आया हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं होता है। तो जैसे कि सवाल था, क्या हम जो सोचते हैं वो सही है? नहीं, सही नहीं होता है। आप ऐसे ढोंग रचाने वाले को सवाल पूछे, पहले भूतकाल के बारे में यानी आपके पास्ट के बारे में, फिर अपने भविष्यकाल के बारे में, अगर वो आपकी भूतकाल के बारे में सटीक जवाब दे देता है तो समझ जाइए कि सही सवारी है। नहीं दे पाता है, उलट पुलट के घुमा फिरा के जवाब देता है, तो समझ जाइए वो फेकुस्तान है और कुछ नहीं। ठीक, हर किसी के ऊपर मैंने जैसे कि कहा सवारी नहीं आता है तो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण है, क्योंकि हर किसी का जो शरीर होता है वो शक्तियाँ धारण करने के लिए नहीं होता है। कुछ आम इंसान होते हैं जो नापाक शरीर होता है, ये शक्तियाँ धारण नहीं कर सकते। शक्तियाँ धारण के लिए शक्तियों के अनुयायी बनना पड़ेगा। शक्तियाँ धारण करने के लिए अपने शरीर को उसी सब से निर्मित करना पड़ेगा, उसी सब से तपोबल अपने शरीर में निर्माण करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ता है। चलो, दसवां सवाल क्या है, क्या ये अंधविश्वास है या नहीं है? सच्चाई ये है कि सच में सवारी आता है और ये अंधविश्वास नहीं है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग झूठे सवारी लाके, छोटे छोटे बच्चे झूठे सवारी लाके इस चीज़ों का बढ़ावा देते हैं कि अपने शरीर में सवारी आता है, और लोगों को भ्रमित करके उनसे पैसा ऐंठते। लेकिन सच्चाई में भी सवारी आता है, वो आपके ऊपर निर्णय करता है कि आप इंसानों की परीक्षा करें, फिर उसके साथ आगे बढ़िए। ग्यारहवां सवाल है, क्या है माता की सवारी? जब बहुत लोग पूछते, देखिए ज़्यादातर जो होते हैं माता जो होते कुलदेवी के रूप में हर किसी के घर में या पूजा पाते हैं, तो लोग जो पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करके आते हैं, चाहे वो वैष्णव देवी का हो, चाहे वो माता कालका का हो, चाहे वो दुर्गा मैया का हो, ठीक, तो इन सब की सवारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता आता है। और हाँ, ये भी सच बात है कि माता का सवारी भी होता है और माता भी शरीर में आते हैं। यहाँ मैं किसी को विधि नहीं दूंगा, क्योंकि हर कोई इस विधि के लायक नहीं होता है कि सवारी अपने शरीर में बुला सके। और सवारी बुलाने के लिए भी वो कभी कभार क्या होता है, गलत शक्तियाँ भी अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक सही साधक, सही ज्ञान के बल से हम सारे चीज़ों के हल कर सकते हैं। अगर कम जानकारी और कम ज्ञान रहेगा अपने पास, फिर भी हम अगर कुछ करते हैं तो आप